बाल्टी, पानी, हेड एंड शोल्डर्स एंड मोजा, मतलब कि सॉक्स। हे गाइस, बैक विद अनदर वीडियो। तो आज मैं जा रहा हूँ एक्टिवा 125 अपने स्कूटी की वॉशिंग वीडियो बनाने के लिए। तो देखते रहिए कि वॉशिंग वीडियो कैसे बनती है। इसमें है पानी, हेड एंड शोल्डर्स, एक टब और ये मोजा। अगर आपके पास माइक्रोफाइबर क्लॉथ नहीं है तो आप एक सॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं, एक मोजे का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा रहता है गाड़ी को वॉश करने के लिए, बहुत सही है। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरी गाड़ी की क्या कंडीशन है, गाड़ी की क्या हालचाल है। तो आपको दिखाता हूँ कि आगे का प्रोसीजर कैसे होता है। चलिए। हे गाइस, अंशुल हियर। अब देखिए, आज मैं एक्टिवा की वॉशिंग वीडियो बनाने वाला हूँ। देखिए, लॉकडाउन में रखे रखे गाड़ी की क्या हालत हो गई है। ये धूल पे धूल चढ़ गई है। देखिए, ये मिट्टी कीचड़ नहीं है, ये धूल है। देखिए, ध्यान से देखिए, लाइट बंद करके आपको दिखाऊं तो अभी दिखेगा नहीं उतना, बट आप देखिए, धूल ही धूल चढ़, देखिए ये धूल ही धूल है गाड़ी पे, ठीक है ना। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इजी तरीके से आप इसको कैसे वॉश कर सकते हैं। अगर आपकी गाड़ी पे गीली मिट्टी चिपकी हुई है तो बात अलग है, लेकिन ये धूल वो कैसे तरीके से हटा सकते हैं। सबसे पहले प्रोसीजर आपको बताता हूँ गाड़ी को गीला करने से पहले। चलिए मैं इसको माउंट करता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। तो अपना कैमरा माउंट हो चुका है, ये अपनी स्कूटी खड़ी है। सबसे पहले आपको क्या करना है मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको स्कूटी पे पानी मारना है। बाल्टी के साथ चेंज करते रहे, ओके। पहले एक साइड को करिए। अच्छा, एक प्रो टिप है, जैसे कि फुटरेस्ट है, इसको आप इससे मत धोइए, इससे तो आप धो देंगे, लेकिन इसको थोड़ा सा टूथब्रश होगा आपका, आप उससे धोइए, ज्यादा अच्छे से धोएंगे। और अंदर तक आप टूथब्रश को डाल सकते हैं तो धुलाई प्रॉपर हो जाती है। ठीक है ना। उसके बाद आपको करना है, जहाँ पे आप वो लगाते हैं अपना, वो क्या बोलते हैं उसको, नंबर प्लेट, टैग नंबर प्लेट, लेकिन याद रखिए गाड़ी आपको गीली करनी है, बिना गीली की आपकी गाड़ी का काम नहीं बनेगा, क्योंकि धूल बहुत ज्यादा चिपक जाती है तो शैम्पू जल्दी गंदा होता है। तो गाड़ी गीली रहेगी, शैम्पू जल्दी पकड़ेगा, सफाई ज्यादा अच्छी होगी आपकी गाड़ी की। और एक और टिप है, एक साइड करिए तो मतलब पूरा देख लीजिए, आप नीचे का हिस्सा पूरा छोड़ दीजिए, ऊपर का हिस्सा आप कर रहे हैं तो पूरा। अब बारी है गाड़ी के टायर, इंजन और साइलेंसर को वॉश करने के लिए। और उससे पहले आप उसको और अच्छे से थोड़ा सा गीला कर लें तो वॉश करने में थोड़ी आसानी होती है। स्कूटी की डिक्की को साफ करते हैं, इसकी सीट को पहले ओपन कर लेते हैं। हाफ बाल्टी भर चुकी है, इसको निकाल लेते हैं और इसको लगा लेते हैं, क्योंकि फिर उठाने में दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि मैं एक ही हाथ से शूट कर रहा हूँ। ये डालना है आपको, ये डालना है, ये डालना है, साइड में डालना है, ये डालना है, ये डालना है, ये डालना है, ये डालना है। इतनी वॉशिंग कंप्लीट। अब आपको दिखाता हूँ नीचे कैसे डालना है पानी।
लेकिन थोड़ा थोड़ा पानी भरेंगे ना तो आपको डालते बनेगा, आप उठा पाएंगे, आपको मग्घे की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये डालना है आपको, ये तेजी से, क्या है ना कि यहाँ पास मिट्टी भर जाती है। ये देखिए आपको दिखाता हूँ, ये देखिए देखिए यहाँ पे मिट्टी, ये देखिए ये मिट्टी भरी रहती है ये, और कहाँ पे खाली आपके ये एरिया में, ये देखिए मिट्टी आप देख पा रहे होंगे, ये सब मिट्टी ही है, ये देखिए ये, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा पानी लीजिए और आसानी से आप मिट्टी को धो पाएंगे। देखिए ये मॉर्निंग का टाइम है, गाड़ी एकदम, देखिए धूप बिल्कुल आ गई है, कल रात में मैंने वॉश की थी वीडियो गाड़ी को। आप देखिए गाड़ी की क्या कंडीशन आपको दिख रही है, बिल्कुल गाड़ी चमक रही है। तो अब इसमें कौन सी पॉलिश मैं यूज़ करता हूँ वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये है वो पॉलिश जो मैं यूज़ करता हूँ, एक सेकेंड, ये है वो पॉलिश, सुपर वैक्स पॉलिश, 30 रुपीज़ की पॉलिश है। अगर आप इसको नहीं ले सकते हैं तो आप कोकोनट ऑयल या तो राई का तेल, तो उसको आप हल्का सा कपड़े में लेके अप्लाई कर सकते हैं, ज़्यादा मत कीजिएगा धूल चिपकेगी। इस पॉलिश को आप अपने यहाँ पे, जहाँ पे नहीं ब्लैक चकत्ते पड़ जाते हैं, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मतलब ये पॉलिश ऐसी है सुपर वैक्स, 30 रुपीज़ की खाली, इसके अंदर आपको फोम और पॉलिश पूरी, आपको मैं खोल के दिखा देता हूँ। देखिए कुछ इस, एक सेकेंड, ये देखिए ये इस तरह की पॉलिश आपको देखने को मिलती है, ये सुपर वैक्स पॉलिश। आराम से ये आपकी 5-6 बार चल जाएगी गाड़ी पे, 5-6 बार, महीने में आप करीबन एक बार गाड़ी धोएंगे, 2 बार धोएंगे, आराम से 3-4 महीने आपकी चलेगा, 30 रुपीज़ की। आप इसको सीट को छोड़ के आप हर जगह इसको, इस पॉलिश को अप्लाई कर सकते हैं। आप पॉलिश को अप्लाई वीडियो कैसे दिखाऊँ आपको, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो छोटा सा पॉलिश को हल्का हल्का अप्लाई कीजिए, और गाड़ी को अगर आप हल्की सी गीली कर सकते हैं, हल्का स्प्रे करके गीली करके फिर अप्लाई कीजिएगा, तो पॉलिश कम लगेगी और चमक ज़्यादा दिखेगी आपको। एट लास्ट में आपको कपड़े से सिर्फ पोंछ देना है, तब भी गाड़ी एकदम शाइन मारने लग जाएगी। अभी देखिए यहाँ पे, देखिए अभी आपको दिख रहा होगा चकत्ता दिख रहा हो गाड़ी में, ये देखिए ये चकत्ता। और अब मैं अगर पॉलिश मारूंगा इसमें हल्का सा, आपको दिखाता हूँ पॉलिश मार के, देखिएगा तो अलग ही दिखेगा, एक सेकंड। देखिए ये मेरा इसके साथ, ये देखिए देखिए दिखा फ़र्क, ये फ़र्क आ रहा है। अभी तो पॉलिश नहीं लगी है इस फोम में, पॉलिश लगने के बाद फिर देखिएगा इसमें कितना फ़र्क आएगा। तो ये चकत्ता हो जाता है, तो इसके लिए आप वैक्स पॉलिश को यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।